जन जागरण पदयात्रा करके महंगाई के मुद्दा ल लेके पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और प्रभारी राष्ट्रीय सचिव चंदन यादव मस्तूरी पहुंची। जी हां, बीजेपी प्रभावित क्षेत्र में पदयात्रा कर कांग्रेस नेता मन महंगाई के मुद्दा ल लेके बीजेपी के खिलाफ जमके हल्ला बोली। पहली दिन बिल्हा और मस्तूरी क्षेत्र में जन जागरण पदयात्रा के जरिए पीसीसी चीफ और प्रभारी राष्ट्रीय सचिव है बीजेपी ऊपर जमके निशाना साधीस और कहीस के कांग्रेस भाजपा के जीते हुए विधानसभा सीट यानी ओकरे घर में घेराबंदी कर बाढ़त बेतहासा महंगाई भर भाजपा के मोदी सरकार ला जिम्मेदार ठहराई। विरोध में कांग्रेस आम जनता के लड़ाई ला सड़क में उतर के लड़े के बात कहीस और आने वाला विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करे के बात कहीस। सबको पता है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय एक्साइज ड्यूटी 9.48 रुपया है। अभी मोदी जी के सरकार ने 32.90 रुपये पेट्रोल में है, वही डीजल में 3.90 रुपया एक्साइज ड्यूटी थी, आज 30 रुपये से ज्यादा एक्साइज ड्यूटी है। अगर यूपीए के सरकार के समय एक्साइज ड्यूटी कम करेंगे तो पेट्रोल और डीजल के दाम ऑलरेडी 50 से 60 रुपये कम होंगे। ऑलरेडी एक्साइज ड्यूटी कम होगी तो रेट भी कम होगा, क्योंकि रेट का सीधा सीधा असर एक्साइज ड्यूटी पे पड़ता है। अगर एक्साइज ड्यूटी कम होगी तो रेट ऑलरेडी कम हो जाएगा। प्रदेश होगा जहाँ की प्रदेश में सत्ता में रहते हुए भी कांग्रेस पद यात्रा कर रहा है और जन जन तक ये बात पहुँचा रही है कि केंद्र सरकार के द्वारा उसकी गलत नीतियों के कारण आज देश बर्बाद हो रहा है और देश में इतनी महंगाई बढ़ गई है कि आज तक के कभी ऐसा महंगाई नहीं बढ़ा था। गरीबों का रोटी निवाला छीन रहा है, गरीबों की थाली लूट रही है, सब्जियां नहीं मिल रही हैं। इस स्थिति में लोग बहुत परेशान हैं। पेट्रोल डीजल कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जिसका दाम आसमान न छू रहा हो।